कुर्ला वार्ड 158 के पूर्व नगर सेवक गौतम साबले और वंदना साबले की ओर से न्यू एकता तरुण मित्र मंडल के माध्यम से पिछले 9 सालों से आयोजित नवरात्रोत्सव और डांडिया रास अब इस क्षेत्र में नंबर 1 बन गया है। लोगों को इसका साल भर से इंतजार रहता है। रोजाना डांडिया शुरू होने से लेकर खत्म होने तक बच्चे बड़े सभी खूब नाचते हैं। पिछले दिनों यहाँ माता के दर्शन करने को पहुँची माहुल की पूर्व नगर सेविका सीमा राजेंद्र माहुलकर और उनके साथ मौजूद सभी लोगों ने इस नवरात्रि आयोजन की खूब तारीफ की। देवी माता बसते देवी माता बसते गरबा पण चांगल्या तऱ्हेने इथं खेळला जातो। पूर्ण ठक्कर बाबाचे लहान मोठे सर्व मुला मुली व्यवस्थित गरबा खेळतात, आनंदी आनंद येते। जर ह्या ठिकाणी गरबाचा नाही भरला सर्व लहान मुलं मात्र नाराज होणार, त्यासाठी इथे खूप चांगल्या तऱ्हेने गरबा भरतो। आज या तुम्ही बघता इथे किती गर्दी आहे, काय माप आहे, आणि इथं अरेंजमेंट पण आमच्या लोकांचे एकदम व्यवस्थित। निव्यक्ता मंडळाच्या वतीने चांगल्या तऱ्हेने ते मुलं अरेंजमेंट करतात। माजी नगरसेवक गौतम साबळे, वंदना साबळे, आम्ही हमेशा इथे पूर्णपणे अरेंजमेंट करून व्यवस्थित सगळ्या मुलांना मार्गदर्शन करून हा गरबा चांगल्या तऱ्हेने पार पाडतो। लोकांना हे शुभेच्छा देईल की आता नवरात्र झाल्यावर दिवाळी येते, सर्वांनी दिवाळीला पण सर्वांनी खुश आणि सर्वांनी व्यवस्थित असे सुखाने समृद्धीने त्यांनी दिवाळी पण साजरी करावी। छान वाटतं, छान वाटतं एकदम। हो चांगलं आहे, मनोरंजन चांगलं आहे, मुलं पण खुश आहेत। अर्धवट बाया पण खेळतात, म्हातारे पण खेळतात, तरुणे पण खेळतात, लहान लहान मुलं पण खेळतात। जो गौतम भाई और जो वंदना भाभी जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बहुत अच्छा है। सब बच्चे बूढ़े बूढ़े सब इंजॉय कर रहे हैं। 9 दिन का बहुत माहौल एकदम आनंदमय रहता है। थैंक यू। जय माता जी। आप क्या कहेंगे, इतना अच्छा आयोजन है, हम देख रहे हैं बच्चे बड़े सारे लोग डांस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा आयोजन किए हमारे माननीय नगर सेवक गौतम साबळे, वंदना साबळे, इनकी वजह से इतना अच्छा लग रहा है हमको कि हम बता नहीं सकते। और बहुत खुशी की बात है कि इतना मतलब भीड़ हो रहा है कि ऐसा कभी इतना भीड़ नहीं था। और अगर कभी ये नहीं हो यहाँ गरबा तो सबसे पहले तो बच्चे नाराज़ हो गए। इतने बच्चे हैं, इतने उत्साह है उनमें कि ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था। बहुत अच्छा लग रहा है। गौतम भाई ने डांडिया रखा है कम से कम मुझे देखते देखते 15 साल हो गए, पर गौतम भाई के यहाँ इतना ज़ोरदार डांडिया होता है ना, उतना कहीं पे भी नहीं होता। इतना कवर भी करते हैं, कभी कहीं झगड़ा नहीं होता, कोई बच्चा दंगा नहीं करता, बहुत अच्छे से होता है हमारे यहाँ पर। कब हम भी चलना नहीं आता तो अभी देखने के लिए आते हैं यहाँ, आराम से बैठने को मिलता है, सब सेवा मिलती है, पानी की सेवा होती है, इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। इंतजार रहता है साल भर से, इस दिन का साल भर से हम लोग 365 दिन उसका इंतजार करते हैं, कब गौतम भाई के यहाँ डांडिया होएगा, कब हम देखने जाएंगे। थैंक यू। जो भक्त और जो गौतम साहब लेके कार्यकर्ता और सभी रविवासी है, ये इतने प्यारे उल्लास उत्साह और ये आनंदित जो प्रोग्राम हो रहा है, माता जी साक्षात कृपा यहाँ करेगी। ये अम्बे माँ की जो प्रजा, ये अम्बे माँ के जो भक्त यहाँ इतने उत्साह से जो प्रोग्राम मना रहे हैं, इनके लिए माता जी और आशीर्वाद देगी और ये जो भी ये उत्साह है और आगे बढ़ाते रहे। ये नौ दिन नहीं है, ये पूरी उम्र का उत्साह। लोग जो मोटे होते हैं वो अपने आप को पतले कर लेते हैं, और जो ये उत्साह है ये एक भाव रूप है के अपने बहन भाई जो भी है सब परिवार के साथ आते हैं, और ये माता अम्बे माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, अम्बे माँ का जो आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद ऐसा है कि सबके शरीर में, सबके दिल दिमाग में उत्साह और आनंदित भर देते हैं। ये अम्बे माँ का हिंदू का जो चेहरवा त्यौहार है, ये मैं बोलता हूँ और उत्साह से मनाया जाए। ये प्रोग्राम नहीं, ये भक्त लोग का स्पेशल कार्यक्रम है। सर्वप्रथम तर सर्व भाविकांना माहुलकर फॅमिली आणि साबळे फॅमिलीकडून नवरात्राच्या हार्दिक शुभेच्छा, आणि गौतम साबळे आणि वंदना साबळे या
देवीच्या कृपेने गेले 9 वर्ष या मैदानामध्ये हा कार्यक्रम आयोजित करतात आणि लोकांच्या सुखादुःखात जसे ते सहभागी होतात तशाच प्रमाणे लोकांना प्रत्येक सणासाठी गणपती असू दे नवरात्र असू दे ते मोठ्या प्रमाणात लोकांचा उत्सव वाढवण्यासाठी असे कार्यक्रम करत असतात. म्हणून खरंच की दोघं पण ते अभियंता जे म्हणजे दोघंही नवरा बायको आहेत त्या जोडीचं खूप कौतुक वाटतं आणि देवीची कृपा अशीच राहू दे आणि दोघांना भरभराट आणि विजयाचं आयुष्य लाभू दे एवढीच देवीच्या परणीच्या प्रार्थना चरण. यहाँ पर 9 साल हुए हैं ये यहाँ पर मेरे बच्ची की मन्नत को वैष्णो देवी से जो मिली हुई मेरी बच्ची है मैथिली इसकी वजह से यहाँ पर हर साल ये 9वां साल है यहाँ पर और एकता तरुण मित्र मंडल और हमारा उत्तर मध्य मुंबई कांग्रेस कमेटी की ओर से ये गरबा भराया जाता है और हर पब्लिक हर जात धर्म के लोग यहाँ पर आकर पूरी तरह से सपोर्ट कर कर एक अच्छा माहौल बनाया है और पूरे ठक्कर व पूरा कुरला और चेंबूर में एक नंबर का गरबा यहाँ पर चल रहा है तो ये सबसे बड़ी बात है और हर साल पब्लिक बढ़ते जा रही है और अगले साल इससे ज़्यादा बढ़ेगी और माता रानी का चेहरा और लुक बहुत अच्छी तरह से हो रहा है. इसके लिए यहाँ का ये प्रसन्न देवी मानी जा रही है जो पावनारी देवी बोलते हैं उसका एक नाम हो रहा है यहाँ पर. लोगों को पूरी तरह से इंतज़ार रहता है. लोग यंग जनरेशन बच्चियाँ इतनी खुशी है ना सब इतने अच्छी तरह से हो रहा है आप देख सकते हो और देखा ही है. इसकी वजह से मैं तो माता रानी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हमारे को सेवा करने का मौका मिल रहा है. रोज यहाँ काफ़ी भीड़ है कि बाहर से भी लोग आते हैं मेहमान आज भी मेहमान आए कौन कौन लोग आते हैं कैसे कैसे आते हैं. कांग्रेस पार्टी के हर पदाधिकारी और सभी जात धर्म के जितने मेरे दोस्त हैं राष्ट्रवादी हो या सब समाज से मेरा एक अच्छा रिलेशन है और इसकी वजह से सब जन आते हैं और माता रानी के दर्शन करके हमारे को जो आशीर्वाद मिलता है वो सबसे बड़ी बात है. कैमरामैन इकबाल शेख के साथ संध्या श्रीवास्तव ग्लोबल चक्र न्यूज़ मुंबई.